तुझको पुकारे आजा आजा प्रेम दवारे होटल का वक्त हो गया, ग्राहक आने शुरू हो गए होंगे, देर हो गई है। आप आज नींद भी देर से खुली थी। देख भाले के अब्बा, अब तू ज्यादा काम ना किया कर, तू जवान नहीं रहा, बूढ़ा हो गया बूढ़ा। ये तेरी हमदर्दियों से हम सबका पेट नहीं भरता, उसके लिए काम करना पड़ता है काम। हाँ, इतनी मन्नतों मुरादों से एक बेटा मांगा था जो अल्लाह ने दिया भी तो, उसे अपना ही होश नहीं, हमारा बोझ क्या उठाएगा। पता नहीं हमारे पुत्र को किसकी नजर लग गई है, वो पहले तो ऐसा नहीं था, और जिसके लिए उसने ये हाल बनाया, खुदा जाने वो इस दुनिया में है भी कि नहीं। ठीक कहती हो सकीना, इसी गम में तो बाला पढ़ लिख भी नहीं सका बेचारा, और उसकी बहनें देखो इतनी दूर कॉलेज पढ़ने जाती हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा यादों से कब बाहर निकलेगा भाले, तू कब बड़ा होगा। Thank you.
जी आप मैं बाले मैं देख रहा हूं तुम्हारे साथ साथ बेला की यादें भी जवान हो गई हैं और आज भी तुम उसी जगह पर बैठे हुए हो जहां तुम दोनों बचपन में खेला करते थे। मेरी तो कुल कायनात यही जगह है बाबा जी जहां मेरी बेला की यादें रहती हैं। उन्हें समेटते समेटते सुबह से शाम हो जाती है। तू मुझे ये बता कि जो तुझे छोड़कर चली गई तू इसका इंतजार क्यों करता है? ये तो आप कहते हैं ना बाबा जी, मेरी बेला यहां से चली गई वापस ही नहीं आएगी। लेकिन बाबा जी मेरी बेला तो यहां से गई तो यही है मेरे पास। रब रखा यार अकबर यार, तीनों की बेटी कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अजी आपने एक बात नोट की है, चौधरी का बेटा और उसका दोस्त जो है ना रोज हमारे रास्ते में खड़े होते हैं। चुप करके चलती रहो, उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। तू तो रोजाना इसको देखने चलाता है, इसके इंतजार में खड़ा रहता है, पता नहीं तुझे इससे क्या मिलता है। ओ यारा तू क्या जाने इन बातों को, तेरे यार को इससे प्यार हो गया। ओ प्यार हो गया तो बता उसे, वो दीनू की बेटी है, किसी नजूमी की बेटी नहीं है। बता दूंगा, इतनी जल्दी में क्या है, अपने घड़े की मछली है। पर मछली ने राम होने की बजाय आगे से दुम चलानी शुरू कर दी तो तड़पने लगी। तो तड़पने दूंगा पर छोड़ूंगा नहीं। तेरा यार भी तो कब से तड़प रहा है इसके इश्क में, और वो भी मजा ले रही है इस तड़प का। अब तो ख्वाबों और ख्यालों पर छा गई है, एक पल भी जालिम आंखों से नहीं ओझल होती। अगर ये बात है ना, देर ना कर, बता दे उसे। हाँ हाँ अब जल्दी करनी पड़ेगी, अब तो बात करनी पड़ेगी। हक हू अल्लाह
हक हो अल्लाह। अब तुम लोग जाओ, मेरे चेले का टाइम हो गया, जाओ। शाबाश। हक हो अल्लाह। 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 हक। ओ कालू पीर, अब बंद करो ये ड्रामा। अब ये बताओ के रात वाली डकैती में कितनी रकम हाथ लगी है? हम सब ने जान थैली पे रख के बड़ी बहादुरी के साथ ये वारदात की है। अब जरा लाल लाल और नीले नीले नोट तो दिखाओ। बंद करो बकवास। कितनी काली और जल्दी पड़ गई तुम तीनों को। और मैं कहीं दौड़ा जा रहा हूं या तुमको मौत पड़ रही है? और जुबान को लगाम दे कालू, खैर मांगा कर। खुदा ना करे कि हम सबको मौत आए, और हमारी आई किसी और को आ जाए, ये दुआ मांगा कर। अब तुम तीनों की इतनी जरूरत हो गई है कि तुम पीर कालू के मुंह लगना शुरू हो गया। तमीज अख्तियार करो, तमीज। चलो शेखी करो और तमीज अख्तियार करो। ओ पीर कालू, हर वेले झगड़े वाली बात ना किया कर। हम ये जान थैली पे रख के सब कुछ करते हैं और फिर शराब और मुजरे पे सब कुछ उड़ा देते हैं। ओए मैं ये सारा कुछ अपने लिए नहीं कर रहा, और तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये सब कुछ। हक हो अल्लाह। हक हो अल्लाह। हक हो अल्लाह। ओहो, आज तो नूरी हमारे घर पे नजर आ रही है। वैसे ये चांद आज हमारे घर में कैसे निकल आया, और वो भी दिन में? मैं तो आप लोगों के घर अक्सर आती हूँ, कभी आप लोग मेरे घर आए? गिला तो तेरा ठीक है, चल बैठ। पर हम भी क्या करें नूरी, पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। वरना कसम से हमारा भी बड़ा दिल करता तुम्हारे घर आने को। दिल तो मेरा भी बड़ा चाहता था पढ़ने को, पर अम्मा ने पंजाबी में स्कूल से उठा दिया। काश तुम भी हमारे साथ पढ़ने जाती ना, कितना मजा आता। कभी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, दिल में जन्म लेकर दिल में ही रह जाती हैं। नूरी तुझे तो बड़ी बातें करने आ गई। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। बात तो तू ठीक कहती है। बाला नजर नहीं आ रहा, कहीं बार तो नहीं क्या हुआ? वो घर में रहता ही कब है, बस सोने के लिए आ जाता है। वैसे नूरी तुझे भाई की बड़ी फिक्र है, खैर तो है ना? सारा मैंने तो बस ऐसे पूछ लिया था। तुम कुछ बताओ ना बताओ नूरी, हम सब जानते हैं। तुम दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गई, मैं तो बस बिरयानी देने आई थी। मैं जा रही हूँ। भाई बेगम, मुझे यूं लगता है कि जैसे ये बुढ़ापा मेरा दुश्मन बनता जा रहा है। ये मुझसे बैडमिंटन, जॉगिंग और स्विमिंग की तरह ये मॉर्निंग वॉक भी छुड़वा कर रहेगा। बुढ़ापे ने आपसे क्या कुछ छीना है इस बात की शिकायत मत किया करें, बल्कि बुढ़ापे ने आपसे क्या कुछ नहीं छीना इस बात का शुक्रिया अदा किया करें। बेगम साहिबा, बाय द वे ये मेरे ऑरेंज जूस पीने का वक्त है और आप मुझे लेक्चर पिलाने की कोशिश कर रही हैं।
भाई बहुत सी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अब ये मॉर्निंग वॉक ले लो, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल हमारी रिदा की तरह, जिस तरह रिदा हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है, अब तो हम उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। Go. Think of the daughter, and daughter is there. Good morning. हाँ, ये क्या? आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया, ऑफिस नहीं जाना आपने? अरे भाई, मेरा सारा ऑफिस तो तुमने संभाल लिया है, मुझे भला ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? जी नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि आपने एक्सरसाइज किसी कीमत पे भी मिस नहीं करनी। अरे बेटा, डॉक्टर का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, फीसें जो लेना होती है उन्होंने। अच्छा बाबा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, देर हो रही है। ओके, टेक केयर। इंशाल्लाह, शाम को मिलेंगे। मैं तो किले में वो मंजर देख के डर ही गया। एक खूबसूरत लड़का और लड़की वहाँ मौजूद थे, लगता था कि वो भी किसी से डरे हुए हैं, अपनी जान बचाने की फिक्र में थे वो। बरकत अली, मैंने भी तो ये सब कुछ देखा था, मैंने तुम्हें बताया नहीं था? हाँ हाँ, बताया था इसने मुझे। हाँ भाई, चाय पानी आई? ओ यार, आ जाती है चाय, बैठ। अभी यार, अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आप रोज़ाना यहाँ तशरीफ लाते हैं, कुछ खाए पिए बगैर ही चले जाते हैं, आज हमारी तरफ से कुछ खा पी लेना। जब दिल चाहता है ना, तो खा पी लेता हूँ। माशा, मेहरबानी। मुझे दूर जाना है, फिर मुलाकात होगी। रब राखा। बरकत अली, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, मैं तो कहता हूँ पीर कालू से इस किले के मुतालिक बात करनी चाहिए। नाना, पीर कालू से कोई ऐसी ऐसी बात ना करना, ये जिन्हों भूतों को कब्जे में करना उसके बस की बात नहीं। जिनू भाई, ऐसी बात मत कहो, वो तो बहुत पहुँचा हुआ पीर है। और रहने दे, रहने दे, मैं जानता हूँ जितना पहुँचा हुआ है वो। सारा दिन पीरी फकीरी करता है और रात को आसिया भाई के घर चला जाता है। नहीं यार। हाँ हाँ, मैंने खुद देखा है जाते हुए। और सुन, किधर है तू भाई? अरे जाने जिगर, आजा आजा आजा, किधर है? आ मेरे कलेजे में आके ठंडी डाल दे। बिस्मिल्लाह। अरे जाने भी दो कालू, ये चोच ले, क्यों हम गरीबों को झूठे लारे लगाने आ जाते? बस इस तरह की गुफ्तगू करके ना तो तुम मेरे दिल पे सितम डालती हो। ये देख तू सही, मैं क्या लेके आया हूँ तेरे लिए, देखेगी तो फड़क उठेगी। अरे कालू, ये क्यों लेके आए हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि बिल्कुल नहीं है, मुझे तो तुम्हारे मोहब्बत की जरूरत है, तुम्हारे प्यार की। पहले वाली बीवी को जाने क्या क्या दे आए हो, ये भी जाके उसी को दे आओ। सुनो, ये क्या कह रही हो तुम? मेरा तो जीना मरना तेरे साथ है, दिन रात बस तेरे ख्यालों में गुम रहता हूँ। और वो जो तूने पहली बीवी वाली बात की है ना, तो वो तो मुझसे कुछ भी नहीं लेते। वहाँ तो मैं सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि मेरी बेटी है वहाँ। अच्छा खैर, छोड़ इन बातों को, ये देख बस, ये तू ये जो दिल पे सितम उठाती है ना, ये सितम उठाना छोड़ दे, है? ये देख। ये हार जो है ना, ये मैं अपने हाथों से तेरे गले में डालूंगा। इस हार में मेरे निजी अरमान छुपे हुए हैं। शहजादी लगेगी तू हार पहन के, शहजादी क्या बल्कि हुस्न और जमाल का पैकर, बल्कि परी पैकर। कालू, अब इतनी जिद कर रहे हो तो पहना दो। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। ए ए ए कैसी लग रही?
आओ पुत्र शाबाश शाबाश। बस 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 भाई बरकत, आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी। बड़ी तकलीफ की आपको। कैसी बातें करते हो, ये तुम्हारा ही नहीं हमारा भी पुत्र है। अच्छा अब हमें इजाजत दो। आओ अनवर। तुझको पुकारे।